असर की नमाज़ पढ़ कर घर आया तो अम्मी जान ने कहा कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, फ़ारग नहीं। तो अम्मी जान ने कहा चलो फ़ारग हो तो आम का जूस बना लो, अफ्तारी में काम आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा आजकल कोई, दिल में सोचा कि आजकल कोई वीडियो नहीं बना रहे तो क्यों ना आम के जूस की वीडियो का ट्यूटोरियल बना लेते, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और हम तो फायदा ही है ही है। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान और हम बनाएंगे आम का जूस। इसके लिए हम दो आम लेंगे और चीनी, नमक जो कि नमक की याद पूरी करने के लिए क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, और इसके साथ हमें ग्राइंडर मशीन जिससे जूस बनेगा। तो जूस बनाने के तो ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत होती है, मैं भी बेवकूफ़ हूँ क्योंकि इस बात पर आस रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आम के छिलके उतारेंगे, ये चेक। छिलके उतारने का आसान तरीका ये है, जब पहले आप इसको पकड़ें और इसको ऐसे पीछे छीलने की कोशिश करें। कुछ आम होते हैं सख्त, जो इस तरह बिल्कुल आस्ते आस्ते करके उतर। अब ये पंजाब में ऐसे ही आम आते हैं, बंदा क्या करे। देखें आस्ते आस्ते उतारेंगे प्यार उतर रहा हूँ। फिर हम इसको इधर रखेंगे, बाद में इसको काटेंगे। ये दूसरा, अब ये दूसरा आम को इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से मेरा चैनल असल में फ़नी वीडियोस है, अब कुछ ना कुछ तो करना है। रमज़ान में फ़नी वीडियोस बनती तो हैं, पर वो फिर आप कहेंगे कि मैंने आइडियाज़ काफ़ी दिए हैं। फिर इसको ऐसे पीसेस काट के उतारेंगे, काटेंगे बल्कि ऐसे पीसेस आहिस्ता आहिस्ता से। और ये दूसरा निकालेंगे, मतलब ये देखें हम कट चुके हैं। यहाँ पर इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें नमक, लेकिन नमक क्या चीज रख लेंगे। नमक डाल दिया, फिर नमक डाल दिया, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। सब हम चीनी शुगर डालेंगे, इसके अंदर चीनी डालने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारा नया रेस्टोरेंट है, ये चाय पीछे शोर डाला हुआ है। तो फिर